शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा विद्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय डेफ सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति राम अवतार मीणा, रिटायर्ड DGP गिरीश चावला का विशेष, शिक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण नाई व विशेष विद्यालय के प्रिंसिपल रिपिन कुमार द्वारा बुके व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। प्रबंध निदेशक दिनेश जुनेजा ने कहा कि दिव्यांगता वर्तमान तौर में अभिशाप ना होकर वरदान साबित हो रही है। उन्होंने शिक्षा का उदाहरण देकर शिक्षा जगत में दिव्यांगजनों के योगदान की प्रशंसा भी की। जुनेजा ने कहा कि विशेष बच्चों को अपनी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। राम अवतार मीणा ने कहा कि दिव्यांग बच्चे जो समाज की मुख्य धारा से दूरी बनाए हुए हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें जो थोड़ी सी कमी के कारण से वो बच्चे मेन धारा से मुख्य धारा से जुड़ने से रहते हैं। बच्चे सारे होनहार होते हैं, सब में दिमाग बहुत विकसित होता है, सब में अच्छा कार्य करने का इच्छा होती है, हुनर होता है। उस हुनर को हम कैसे मदद करें बच्चों की, इस कार्यक्रम को ये विभाग बड़ी बखूबी से करता है। आप लोग सब होनहार बच्चे हैं, शिक्षा अच्छी शिक्षा से आप मेन धारा में जुड़ेंगे, आपको भी जॉब्स मिलेगी, आपको भी रोजगार मिलेंगे, अच्छे रोजगार करने के अवसर मिलेंगे, अच्छी ट्रेनिंग्स यहाँ से मिलेगी। हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि आज का जो दिन है इंटरनेशनल वीक डे, उस अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। एसकेडी यूनिवर्सिटी ने जो स्पेशल स्कूल स्थापित किया है अपने आप में अनूठा है। इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, हमारे जो स्पेशल चाइल्ड जिनको कहते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन जो डिफरेंट है बाकी लोगों से किसी न किसी मायने में, उनके लिए उनकी सुविधा के लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए यह स्पेशल स्कूल खोला गया है। तो स्पेशल एजुकेशन विंग जो है हमारा जो डिपार्टमेंट है स्कूल यूनिवर्सिटी का, वो इन बच्चों के लिए